शहर सीमा क्षेत्र अंतर्गत आम जनों की समस्या हल करने दुर्ग निगम ने कलेक्टर के आदेशानुसार जन समस्या निवारण शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा शहर सीमा क्षेत्र अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर में आमजनों की समस्या शिकायतों का समाधान के लिए मंगलवार को वार्ड क्रमांक 23 से 32 तक 10 वार्डों के लिए एक साथ शिविर का आयोजन किया गया। इस समय शिविर में आम नागरिकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू रहा और नागरिकों ने शिविर के स्टॉल पहुँच कर अपनी समस्याओं को दर्ज कराया। शिविर में विभिन्न विभागों से आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में पहुंच अपनी समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर शिविर में आयुक्त लोकेश चंद्राकर, पार्षद नरेश तेजवानी, पूर्व महापौर आर एन वर्मा, राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य लोगों ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में नए राशन कार्ड बनवाने व नाम जोड़ने, राजस्व वसूली, पीएम आवास, सफाई संबंधित आवेदन, अतिक्रमण से संबंधित शिकायत, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि, निराश्रित पेंशन, विद्युत तथा पेयजल, सड़क एवं नाली निर्माण, श्रम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड व बिजली आदि संबंधित आवेदन दिए। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।